हाउ टू फिक्स आइडिया सिम कार्ड नेटवर्क प्रॉब्लम। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने सिम कार्ड में नेटवर्क प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, एक भी स्टेप को ना छूट के वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आप भी अपना सिम कार्ड प्रॉब्लम को जो है वो सॉल्व कर पाएंगे वीडियो के अंत तक। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, साथ ही साथ दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और यदि आप ऑनलाइन पैसे कमाना चाहते हैं तो वीडियो डिस्क्रिप्शन लिंक फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों चलिए बिना देर किए हुए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो दोस्तों आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स पे जाना है और सेटिंग्स पे जाने के बाद में दोस्तों यहाँ पे आपको अपने मोबाइल में शो होगा डुअल सिम एंड सेलुलर नेटवर्क, या फिर सिम मैनेजमेंट, या फिर मोबाइल नेटवर्क, या फिर नेटवर्क एंड इंटरनेट आपको शो होगा। ठीक है, बेसिकली आपको सिम कार्ड में जाना है। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों यहाँ पे आपका जिस सिम कार्ड में आपको प्रॉब्लम आ रहा है, नेटवर्क का प्रॉब्लम आ रहा है, वो सिम कार्ड को आपको क्लिक करना है। उसके बाद में दोस्तों सबसे पहले तो अपना सिम कार्ड को एक बार बंद कर दीजिए। ठीक है, एक बार बंद कर दीजिए सिम कार्ड को, उसके बाद में दोस्तों इसे आप फिर से ऑन कर दीजिए। कभी कभी क्या होता है कि दोस्तों हमारा टेक्निकल इशू होने की वजह से कभी कभी एनेबल और डिसेबल सिम कार्ड को ऑन ऑफ ऑन कर देने से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। ठीक है, एक बार देखिएगा, यदि नहीं होता है कोई दिक्कत नहीं, आगे मैं आपको और भी आगे सेटिंग्स बताऊँगा। दूसरा सेटिंग्स दोस्तों आपको क्या करना है, APN पे जाना है या फिर आपके मोबाइल में एक्सेस पॉइंट नेम आपको मिलेगा। ठीक है, उस पे जाने के बाद में आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको यहाँ पे ऊपर पे जो प्लस साइन दिखाई दे रहा है इसके ऊपर क्लिक करना है। प्लस साइन पे क्लिक करके बाद में आपको यहाँ पे नया APN आपको क्रिएट करना होगा। ठीक है, तो नया APN मैंने ऑलरेडी क्रिएट करके रखा है, आपको क्या क्या भरना है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पे आपको भरना है APN पे, आपको नाम पे इंटरनेट भरना है, उसके बाद में APN पे आपका जो भी सिम कार्ड है वो सिम कार्ड, जैसे कि एयरटेल है तो एयरटेल नेट, आपका BSNL तो BSNL नेट, जियो है तो जियो नेट, आपको इस प्रकार से आपको यहाँ पे सेट करना है। बाकी आपको प्रॉक्सी पोर्ट, यूजर नेम, पासवर्ड, ये सारा नॉट सेट रखना है, लेकिन MCC आपको 405 रखना है, MNC 865 रखना है, ऑथेंटिकेशन टाइप आपको नॉट सेट रखना है, APN टाइप में डिफॉल्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगा सेलेक्ट करने के लिए, आप देख सकते हैं डिफॉल्ट यहाँ पे कोमा SUPL कोमा XCAP आपको यहाँ पे देना है। और बाकी APN टाइप पे आपको यहाँ पे APN प्रोटोकॉल पे IPv4 बाय IPv6 देना है और APN रोमिंग प्रोटोकॉल पे भी आपको सेम देना है। ठीक है, और यहाँ पे बियरर पे मेन इंपॉर्टेंट जो है वो बियरर पे आपको यहाँ पे यदि आपका वोल्ट मोबाइल है तो आपको यहाँ पे वोल्ट LTE पे सेलेक्ट करना है, वरना आप यहाँ पे अनस्पेसिफाइड पे क्लिक कर सकते हैं। तो ये सारा होने के बाद में दोस्तों आपका नेटवर्क जो है वो काम कर लेना चाहिए, एक बार मोबाइल को रिस्टार्ट कर लीजिएगा। ठीक है, काम कर जाता है, सही है, काम नहीं करता है फिर भी आपको दूसरा सेटिंग्स बताऊँगा, ये फाइनल सेटिंग्स रहेगा दोस्तों, ये सेटिंग्स के बाद में आपका प्रॉब्लम डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अभी आपको क्या करना है, देखिए सबसे पहले तो एक बार मोबाइल को एयरप्लेन मोड में आप ऑन कर दीजिएगा, उसके बाद में एयरप्लेन मोड ऑफ कर दीजिए, मोबाइल को एक बार रीस्टार्ट कीजिए, उसके बाद में अपना मोबाइल के सेटिंग्स पे आने के बाद में आप एडिशनल सेटिंग्स पे या फिर मोर सेटिंग्स पे चले जाइए। उसके बाद में एकदम नीचे आपको बैकअप एंड रीसेट का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ पर आना है, रीसेट टू फैक्ट्री सेटिंग पर जाना है। ठीक है दोस्तों, लोकेशन थोड़ा बहुत अलग हो सकता है, हर मोबाइल में अलग अलग लोकेशन होता है तो आप मैनेज कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको रीसेट सिस्टम सेटिंग ओनली दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्लिक करके पासवर्ड भर देना है और यहाँ पे अपना मोबाइल का जितना भी सेटिंग्स है, नेटवर्क का सेटिंग्स, सिम कार्ड का सेटिंग्स, जितना भी है वो आपका यहाँ पे रीसेट हो जाएगा। ये रीसेट होने के बाद में क्या होगा कि दोस्तों आपका नेटवर्क का जितना भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, यदि आपको सिर्फ सिस्टम का सेटिंग जो है रीसेट करने का ऑप्शन नहीं दिया गया है तो दोस्तों यहाँ पे क्या करना है, आपको क्लियर ऑल डाटा पे क्लिक करना है। ठीक है, यदि क्लियर ऑल डाटा करने से पहले आपको यहाँ पे बैकअप सेटअप कर लेना है। ठीक है, बैकअप करने से आपका फोटोज़, वीडियोस और भी एप्लीकेशंस वगैरह नहीं उड़ेगा। ठीक है, तो ये आपको कर लेना है, ये करने के बाद में डेफिनेटली भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। यदि दोस्तों फिर भी आपका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है, एक बार मोबाइल में आके आप सॉफ्टवेयर अपडेट भी चेक कर लीजिए, कभी कभी सॉफ्टवेयर अपडेट आने की वजह से जो है हम अपडेट नहीं करते, उसके वजह से भी प्रॉब्लम आ सकता है। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।